हम निकल चुके हैं मसूरी की तरफ। मोड़ है यहाँ पर, वाओ। हम मसूरी पहुंच चुके हैं। यहाँ का ये व्यू है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे कैमरे में क्या कैप्चर हो रहा है। और ये देखो जतिन, मैं थक चुकी हूँ और यहाँ बहुत चढ़ना पड़ा है, बहुत पैदल चलना पड़ रहा है अपने होटल तक जाने के लिए। होटल तो हमारा प्री बुक था, थैंक गॉड हम बुक करके आए थे। बहुत बुरी हालत है। ये देखिए जतिन को, मेरा बैग भी इसी ने पकड़ रखा है। जब पहली बार जतिन मसूरी आए थे तो जतिन मम्मी के पेट में थे, अब आए तो बीवी के बैग पकड़ रखे हैं और अपने भी। मेरा आने जाने का दोनों है, मैंने आने का करे तो जाना। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो कैसे कैसे डील्स कर रहे हैं। बीवी का बैग उठाने के लिए बनी है। ये है मॉल रोड और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। आप दोनों तरफ का व्यू देख सकते हैं। और अगर हम घूमने जाएंगे तो भी हमें इतना चलना पड़ेगा शायद। चुका है और जतिन ने अभी अभी एक रिस्क उठाया। एक बंदा जा रहा था स्कूटी पे और उसको मेरा बैग दे दिया और वो स्कूटी पे होटल तक छोड़ गया। अगर वो गलत होता तो मैं क्या पहनती। तो देख रहे हो कैसे कैसे रिस्क लेता है ये मेरा हस्बैंड। और अब हमारा होटल आ गया, आप देख सकते हैं बहुत धूप है इस वक्त। व्यू अच्छा है, इट्स अ वेरी नाइस व्यू। और अब हम अंदर जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई करी है, थक गए हैं। हमारी एंट्री, हमने अपने मसूरी के रूम में एंट्री कर लिया है। ये है वॉशरूम, ये है कबर्ड और यहाँ पे सामान रख सकते हैं। हमारा लगेज ये रहा, ये रूम। व्यू अच्छा है, ये सेटिंग का है। किसी एज कम्पेयर टू देहरादून, मसूरी में ज़्यादा ठंडक है। इस वक्त तो गर्मी है और ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा है हमारे रूम से। हम जाने वाले हैं यहाँ से ट्रोली में गन हिल्स के लिए और लाइट्स भी जल गई हैं। तो आप देखेंगे ये ट्रोली व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और हम इसमें आईसी सबसे आगे आईसी खड़ी है और यहाँ से सीधा ट्रोली लेके जाएगी हमें गन हिल्स पे और बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। 125 की टिकट्स हैं और बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए आप हमें उधर जाना है और ट्रॉली का वेट कर रहे हैं हम। ट्रॉली में बैठ चुके हैं, आई सी बैठे और हम यहाँ तक जा रहे हैं। और अब व्यू देखिए मॉल रोड का, क्या बोलते थे ट्रॉली, हम उस पहुँचने वाले हैं अभी दाम रास्ते हैं। अगर थोड़ा सा रोशनी में होता ना तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन बट अच्छा लग रहा है। इवनिंग का व्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ ऐसा लग रहा है।
देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों से चीरते हुए रास्ता है। तो ये है गन हिल से बहुत ही प्यारा व्यू, यहाँ जरूर आए, ये देखने लायक है और बहुत ही ज्यादा सुकून वाली जगह है। सेकंड हाईएस्ट हिल्स इन मुंसवी। हम यहाँ पर आए थे और मैंने गेम खेली है। गेम कुछ ऐसी थी कि आपको 6 बॉल्स मिलती है और 6 बॉल सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये बॉल्स है ये ऐसे कोई भी किसी भी नंबर में जाएगी, जैसे ये भी नंबर्स है वो ये 5 पे गई है, 6 बॉल्स जिस भी नंबर में जाएगी वो एड ऑन करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई है। और भैया ने एक चीज और कही है, जतिन ने पाई है एपी फिज जो कि इसमें रखी है, और गेम है ये डाइस वाला, इसमें ये सारे डाइस मैंने फेंके हैं ऐसे, उसका टोटल होगा, और मुझे मिला है ये जो कि मैंने लिया है चिकू के लिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर इसकी बॉल्स सब 6 में जाती है तो भैया ने कहा 15,000 प्राइस और या फिर LCD, क्या बात है, ये आपकी चॉइस है कि आप LCD लेंगे या 15,000। ये कि गन हिल्स पे है, ये है जी खाली जाने पर पैसा वापस, भैया पक्का पैसा वापस, पक्का सब भैया ने कह दिया तो पैसा वापस। यहाँ पे और भी गेम, अभी हम और गेम्स खेलेंगे, ये पूरा गेम्स का है, और यहाँ पर आपको एडवेंचर या रेस्टोरेंट भी है प्योर वेज, और एक हाँ एक गेम्स ये भी है कि आपको यहाँ पे मिलते हैं कितने रिंग, 12 रिंग, अभी भैया ने ऑफ चल रहा है तो इसलिए 12 है, नहीं तो भैया 10 देते हैं, और ये सारे प्राइजिंग है, चीजों में डालने हैं अगर आपका कुछ आता है तो वो आपका। और एक और मेगा धमाका, वो ऐसा है कि आपको ये गन मिलती है अगर आप 5 शॉट में 5 गुब्बारे फोड़ देते हो तो 500 रुपये इनाम ले जाऊँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आया आपके साथ, और हम गेम खेलेंगे, अभी आते हैं आपके पास, जरा आगे घूम के आते हैं। दिस इज अ व्यू, वाओ, हिल्स पे श्री शनि देव मंदिर, इसका व्यू आपको दिखाते हैं, शनि देव का मंदिर, जय शनि महाराज। इसी ट्रॉली में हम जाएंगे, तो गाइज हम आ चुके हैं अपने रूम में और हम देख रहे हैं बिग बॉस, जैसे हम देख सकते हैं आपको आवाज आ रही होगी, और हम घूम के आए हैं अभी तक गन हिल मसूरी के अंदर, हम घूम के आए हैं गन हिल, और हम मॉल रोड घूम के आए हैं, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी खाया और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी, हमने एंजॉय किया। तो गाइस रिक्शे की सवारी कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है, अभी हम होटल से निकले हैं, दूसरा दिन है हमारा मसूरी में, और हम जा रहे हैं गांधी चौक में जाएंगे, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैंटी हॉल। ये पूरा मॉल रोड है, यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हो, लुट सकते हो अपना, देखिए दिल्ली वाले कहीं नहीं लुट के आते हैं, दिल्ली वाले होते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस हम आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, इस टाइम हो रहा है लगभग 1 बजने वाले हैं, और थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम क्योंकि हमें रात में नींद नहीं आई, और ये है उपहार रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पे जैन फूड स्पेशल भी मिल जाता है, जो लोग जैन हैं वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमने फूड टेस्ट नहीं किया है तो हम फूड टेस्ट करके आपको बताएंगे कि फूड कैसा था, फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे कैंटी फॉल्स, फिर वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। पहली लोकेशन पे कंपनी गार्डन, कैब से आए हैं हम, और ये है टिकट्स, एंट्री टिकट्स 25 रुपये पर हेड है ये अभी, जो कि आपके वहाँ से मिल जाएगी, और हमने कैब जो करी है वो करी है हमने अपने मॉल रोड के गांधी चौक के आसपास से ही करी है हमने, और हम यहाँ पे कंपनी गार्डन आए, फिर उसके बाद जाएंगे कैंपटी फॉल्स,
और ये रास्ता है सीधा कंपनी गार्डन के लिए। हमने आपको बताया था कि हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके आए तो खाना बहुत टेस्टी था, उपहार में ज़रूर ट्राई करें, खाना बहुत टेस्टी है कंपनी गार्डन में। और कंपनी गार्डन में यहाँ पे आपको शॉप्स दिखेगी, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और शॉप्स हैं यहाँ पर, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। कंपनी बाग में आ गए हैं और बहुत ही प्यारे यहाँ पर फूल दिखेंगे आपको। और अब हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाने वाले हैं कैमरे से, जिसमें मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पर कंपनी बाग में, और पीछे देखिए मेरे एक झरना दिखेगा आपको, और यहाँ पे हमने फोटो क्लिक करवाई है और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लोग हैं यहाँ पे सारे। यहाँ पे आप आए तो कभी फ़ोटो मत खिंचवाना, लूट लेते हैं। बोटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ड्राइवर बेकार है हमारा, सीधा नहीं लगा रहा, घुमा घुमा के ले जा रही हूँ मैं। बहुत लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वो आपको एक पेड़ के पास भैया दिख रहे हैं, वो हमसे जिद कर रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवा लो फ़ोटो खिंचवा लो। तो हमारे पास फ़ोन है तो हम फ़ोटो क्यों खिंचवाए, है ना, पागल बनाते हैं यहाँ के लोग। कह रहे हैं फ़ोन लेके फ़ोटो खिंचा लो, फोन लेके पक गया तो कहाँ जाएंगे हम, बॉलीवुड की। तो आपने सुना व्यू बहुत अच्छा है। 15 मिनट के 100 रुपये लिए इन्होंने डक वाली के, बाकी चार्जेस यहीं पे टिकट काउंटर पे आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यही है यहाँ पे, जितनी IAS की ट्रेनिंग होती है सारे यहीं से ही लेते हैं, और जितने IAS ऑफिसर है हमारे यहीं से निकलते हैं। यहाँ तो जितनी वीडियोस बना लो उतनी कम है। ये आप देखिए कैमल टॉप, हाँ बिल्कुल कैमल बैठा हुआ है, जैसे ऊंट बैठा होता है उसका व्यू यहाँ पर दिख रहा है, कैमल टॉप उसका नाम है। देखिए आप क्या नजारा है, देखिए। और क्योंकि देखिए गाइस हम आ चुके हैं कैंपटी फॉल में, और ये देखिए इसको कहते हैं कैंपटी फॉल। वाओ, ये है कैंपटी फॉल, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। भाई मैं तो नहीं नहाने वाला क्योंकि बहुत बुरी हालत हो जाएगी, दोनों नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम हो चुकी है बहुत ज़्यादा ठंडा और हमें बाद में बीमार नहीं होना है। और हम आए यहाँ पे तो 5:30 बज चुके हैं, हम 5:30 बजे यहाँ पर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, सूरज की धूप जा चुकी है। यहाँ पर आप आए तो थोड़ा सा 5 बजे से पहले आएँ, यानी 4 बजे से पहले आएँ तो आपको धूप मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप ये ले सकते हैं। और हमें नीचे पैदल उतरना पड़ा क्योंकि बट हम पानी का मज़ा फिर भी ले रहे हैं, यहाँ तक पानी भी बौछार आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। कैंपटी फॉल तो आप चले जाइए, हम जा चुके हैं कैंपटी फॉल से, हम निकल रहे हैं यहाँ पे कैंपटी फॉल से। आई लव यूके। हम लोग अभी खाना खाने के लिए आ रहे हैं डिनर के लिए, और हम आए हैं शाही रसोई में जो कि मान रोड पे ही है, आप भी देख सकते हैं शाही रसोई। यहाँ पर फूड थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रहा है, लेकिन टेस्ट अभी पता नहीं है, हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही ऑर्डर करी है क्योंकि हमने लंच थोड़ा लेट किया था, तो कम
से यहाँ की बहुत अच्छी सेटिंग अच्छी है। तो आज हम आए हैं, ये शाम का व्यू दिखाते हैं हम आपको पीछे का, देखिए सूरज डूब चुका है। और इस होटल में हम रुके हैं, हनी मून इन, और आई थी थक चुकी है बहुत ज़्यादा। और कैसा लगा इसी घूमकर? अमेजिंग, हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं करी आज, आज हमने थोड़ा रेस्ट किया। एक प्रमोशन एक्टिविटी चल रही थी, वहाँ पे भी गए थे हम, वहाँ पे चाय कॉफ़ी पी के आए, मज़ा आया। फ्री की चाय कॉफ़ी पी और एक पैकेज जीता हमने। मुझे एक गिफ्ट मिला है जिसमें मुझे एक स्टे करने का ऑप्शन मिला है, बाकी डिटेल सीक्रेट है। और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आज हमारी आखिरी नाइट है मसूरी में, और कल हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। नहीं, कल हम पहले जाएंगे हरिद्वार, उसके बाद हम वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे अपने, और फिर हम शायद ऋषिकेश भी होते हुए जा सकते हैं, तो पता नहीं, हम ऋषिकेश डायरेक्ट जाएंगे। कुछ प्लान नहीं है, देखते क्या होता है, देख लो टाइम क्या हो रहा है। शाम हो चुकी है, अभी तक हमारे कुछ बुकिंग भी नहीं किया, हम कैसे जाएंगे हमें कुछ नहीं पता। पैदल चलते हैं। दोबारा से उपहार रेस्टोरेंट में आया है, तो यहाँ का फूड इतना अच्छा लगा। हमने कल भी लंच वहीं से किया था, डिनर हमने ट्राई किया था कहीं और से ज़्यादा, हमने हैवी फूड नहीं खाया, फ्रेंच राइस खाए थे हमने, शाही रसोई जो थी हमने आपको बताई थी वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी फूड था। वहाँ पे भी थोड़ी कॉस्टली थी वो, यहाँ पे प्राइजेस रीजनेबल है, तो आप लोग यहाँ पे आके लंच डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग टेस्ट ये उपहार रेस्टोरेंट, जो कि आपको गांधी चौक पर मिलेगा। तो गाइस, मसूरी को टाटा करने का समय आ गया है, हम यहाँ पर और इन्जॉय किया, हमने मज़ा आया, पता नहीं कब आना होगा यहाँ पर। कैसा लगा मसूरी में घूम के? अमेजिंग लगा। और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार जाके हम वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे, शाम की ट्रेन, और कुछ हरिद्वार में भी हम ब्लॉग बनाएंगे जो हो सकेगा, जहाँ पे हम घूम पाएंगे। तो देखते हैं गाइस कैसा सफ़र रहता है आगे का। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, और फिर कल से वही ज़िंदगी दिल्ली की बेकार थी। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप भी मसूरी में गए हो कभी या देहरादून गए हो, तो वहाँ के आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कहाँ कहाँ घूमे हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।